अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब है ना, उनका ये एक आइडियलाइज्ड वर्जन है. इस उम्मीद के साथ ये क्रिएट किया गया है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए, जिस तरह से ये कैरेक्टर अपने मिशन में कामयाब होता है. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक ऐसा इंसान है जो इस बात में विश्वास नहीं करता कि जो हो रहा है होने दो. वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेने में विश्वास रखता है. तो जो जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं इस कहानी में, कहीं ना कहीं वो विटनेस रहता है इन सब चीज़ों से, और आखिर में ही इज़ द वन हु डिसाइड्स टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन. इनके कैरेक्टर की वजह से ही ये केस फिल्म में खुलता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द ट्रूथ. क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं मल्लिका के कैरेक्टर को, जो कि पिवोटल कैरेक्टर है इस फिल्म का, जिसके बारे में पूरी कहानी है. तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड सपोर्ट मिलेगा इस फिल्म को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. कोई एक लेडी पॉलिटिशियन ने कई डिफरेंट तरह की लेडी पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड थी मैं, स्पेशली जो कॉस्ट्यूम्स थे. वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की सीएम हैं, अनोखी भी राजस्थान की रहने वाली है, चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है उसका, बड़ी एम्बिशियस है. तो उनसे बहुत इंस्पायर रही मैं, क्योंकि जो इंसान का काम है उसको उसी की हद में रहना चाहिए. मेरी समझ में नहीं आता कि एक्टर लोग क्यों पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं. रोनल्ड रेगन के एग्जाम्पल से वो शायद इंस्पायर हैं. तो रोनल्ड रेगन के मिसाल से यही पता चलता है कि जो बहुत बुरे एक्टर हैं वो कामयाब पॉलिटिशियन होते हैं. मैं एक अपने इलाके का शाना हूँ. मेरे हाथ के नीचे 50,000 से लाख लोग हैं, और किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को उड़ाना होता है, या किसी को कोई वोट बैंक मेरे हाथ में है. मतलब मैं एरिया का दादा हूँ, समझा बेटू? ये मेरा रोल है. जिसके दिल में आता है कि जब मैं अगर वोट दिला सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं खड़ा हो जाऊं. ब्रू पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है. डर्टी क्या है और स्वच्छ क्या है ये पब्लिक जानता है. मेरे को इतना मालूम है कि जो हिंदुस्तान के लिए काम अच्छा करता है वो सही है. इसमें मेरा एक लाइन भी है कि इंसान इंसान होता है, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान, इतना अच्छा भी नहीं कि भगवान, सिर्फ इंसान, समझा बड़ू? उसके अंदर सब बात आ जाता है. बड़ू होली के दिन मैं सोच रहा हूँ जाके एक झाड़ लगाऊंगा अपने, क्योंकि इतने सारे वो काटे जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक झाड़ कहीं लगा दूँ. सीताफल लगाने की सोच रहा हूँ. एक छोटा सा खेत है आगे कहीं खंडाला और पूना के बीच में. तो पहला काम ये करूँगा कि पौधा लगाऊँगा. होली मुबारक. थैंक यू.